दोस्तों, एक इंफॉर्मेशन अभी मुझे पता चला है फिलहाल इंडिया से, कोई खासी मेरा रिलेशन का है तो मुझे जब जानकारी थी नहीं उनके बारे में, तो अभी तो सऊदी अरब का फ्लाइट तो बंद है अक्टूबर तक। यहाँ पर सस्पेंशन हो गया है, किंग सलमान खान जो यहाँ के किंग है उन्होंने ऐलान कर दिया है अक्टूबर तक यहाँ पर अभी कोई अपडेट नहीं है। सितंबर अक्टूबर तक कोई फ्लाइट का अपडेट नहीं है, लेकिन इंडिया में कुछ एजेंट लोगों को ये बोल रहे हैं कि हम आपको सऊदी अरब भेज देंगे, तो उनसे एडवांस लिया जा रहा है, पैसे लिया जा रहा है। तो आप लोग इन सब बातों पर ध्यान दीजिए। अभी फ्लाइट चालू हुई है, बट तो अभी दुबई का चालू हुआ है, वो भी दुबई में सिर्फ विजिट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा इसका चालू हुआ है, वर्क परमिट वीज़ा अलाउड नहीं हुआ है दुबई में भी। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी मुझे पता चली आज, एक भाई का 90,000 रुपये मुंबई में एजेंट ने फंसा दिया कि हम आपको भेज देंगे। बाद में जब उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया तब उनको मैंने हकीकत बताया, अभी तो कोई फ्लाइट चालू ही नहीं हुआ है। तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, अभी फ़िलहाल कोई किसी एजेंट के पास पैसा वैसा ना दे, नहीं तो आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम लोग यहाँ सऊदी अरब में मौजूद है, जैसी कोई नया अपडेट आता है वैसे हम लोग ग्रुप में शेयर करेंगे। सबसे पहले हम अपने ही ग्रुप में अपडेट जाएगा दोस्तों। फिलहाल आप ये मान के चलिए 2 महीने यहाँ से फ्लाइट चालू होने का, कोई भी रेगुलर फ्लाइट चार्टर्ड फ्लाइट चालू है और वंदे भारत मिशन वो चालू है, लेकिन रेगुलर फ्लाइट फ़िलहाल अभी 2 महीने के लिए आप लोग किसी भी एजेंट से काम मत कराइए, क्योंकि सऊदी अरब का काम, हम सऊदी अरब में हैं तो आपको सऊदी अरब के बारे में जानकारी इस ग्रुप में दे रहे हैं। 2 महीने तक कोई भी एजेंट से आप अपना काम मत कराइए। अगर कोई एजेंट बोलता है हम आपको भेज देंगे, करा देंगे, तो एकदम फ्रॉड है दोस्तों। ठीक है, तो ये जानकारी मुझे मिली थी तो मैं सोचा इस ग्रुप में शेयर कर दिया जाए, किसी भाई को हेल्प हो जाए। तो आप लोग ध्यान दे के काम कीजिएगा, सऊदी अरब में 2 महीना तक अक्टूबर तक फिलहाल में कोई अपडेट नहीं है, पूरी फ्लाइट बंद है अक्टूबर तक रेगुलर फ्लाइट। उसके बाद कि जैसी अपडेट आएगी वैसे इस ग्रुप में सबसे पहले शेयर कर देंगे हम। ओके भाइयों।